वी विल ट्राई ट्रांसलेटिंग 50-60 सेंटेंसेस टुडे। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। कौन बोल रहा है उसको इंग्लिश में? शिवानी बोली बेटा, फटाफट यहाँ पे जैसे आप हाथ खड़ा करेंगे आपका नाम बोलेंगे। हाँ बोलिए। मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग। मे आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग? मैंने कहा मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, आई एम स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग। मैंने धमकी दिया आप लोग को, मैंने पूछा नहीं है। ओके चलिए। ओके नाजी आप बोलिए, आप कुछ कुछ अलग तरीके से बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए। आई एम स्टार्टिंग टू रिकॉर्ड। I'm starting to record. This is another good example. Yes. Okay. Navya, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ आई स्टार्ट रिकॉर्ड। बोलिए। हाँ नाविया, आपकी आवाज आई और चली गई, मैं सुन नहीं पाया, फिर से बोलिए। आई एम स्टार्टिंग टू रिकॉर्ड। I'm starting to record. Okay, ठीक है। और हाँ स्टार्ट आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। ओके चलिए अभी नाउ नाउ लेट्स सी व्हाट वील डू इज एवरी डे वील पिक अ थीम, उसके सराउंडिंग में सेंटेंस बनाएंगे। तो आवर नेक्स्ट थीम इज लेट्स से अभी फेस्टिवल्स का महीना जस्ट खत्म हुआ, राइट? तो फेस्टिवल्स पे ही बनाएंगे सेंटेंसेस, ठीक है? आज हम लोग सारे सेंटेंसेस फेस्टिवल्स के बेसिस पे बनाएंगे, फेस्टिवल्स के लिए बनाएंगे। दिस इज सेंटेंस। आज हमारे सेंटेंसेस फेस्टिवल्स के ऊपर होंगे, या आज हम सेंटेंसेस फेस्टिवल पर बनाएंगे। चलिए कौन बोलना चाहता है? आज हम फेस्टिवल से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाएंगे। ये आपका हिंदी का सेंटेंस है, इसको इंग्लिश में बनाना है। कौन बोल रहे हैं? बोलिए क्रेस वीर, बोलिए भाई। माय सेंटेंसेस आर दिवाली इज योर फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। नहीं, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, मामला गड़बड़ा जाएगा भाई। यहाँ पे हम लोग का अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आई एम गिविंग यू गाइज हिंदी सेंटेंसेज, यू हैव टू ट्रांसलेट दैट इन इंग्लिश। या आप लोगों से बोलूंगा कि भाई चलिए हिंदी के सेंटेंसेस बोलिए, उसको ट्रांसलेट करेगा कोई, ठीक है? सो वी आर डूइंग ट्रांसलेशन, वी आर नॉट डूइंग प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक। तो आपका सेंटेंस है आज हम फेस्टिवल से रिलेटेड सेंटेंसेस की बात करेंगे, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ओके चलिए देखिए नाविया के, देखते हैं क्या बोलती है। नाविया बोलिए। सर सेंटेंस है, टुडे वी विल मेक ऑन सेंटेंस रिलेटेड टू फेस्टिवल। हाँ टुडे वी विल मेक सेंटेंसेस रिलेटेड टू फेस्टिवल। ओके ठीक है, और कोई बोलना चाहेंगे? और देखिए किसी को शर्माने का, सोचने का, घबराने का जरूरत नहीं है। गलती होता है, होने दीजिए, गलती होना ही चाहिए। सत्यम बोलिए। टुडे वी विल टॉक अबाउट सेंटेंसेस रिलेटेड टू फेस्टिवल्स। टुडे वी विल टॉक अबाउट सेंटेंसेस। ओके, और टॉक अबाउट में होता है कि हम लोग वी विल मेक सेंटेंसेस, टॉक अबाउट उतना पक्का नहीं बैठ रहा है। ओके चलिए नाविया कुछ बोलना चाह रही है। टुडे वी विल क्रिएट सेंटेंसेस ऑन फेस्टिवल। हाँ दैट इज आल्सो अ गुड वन। टुडे आल्सो टुडे विल मेक आई विल क्रिएट सेंटेंसेस ऑन फेस्टिवल्स। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो चलिए अगला सेंटेंस कौन बोल रहा है? आप लोग भी सेंटेंस दे सकते हैं, कोई और ट्रांसलेट करेगा। नाविया बोलिए। Today we will make one sentence of Diwali. Sorry, festival. हाँ टुडे विल मेक वन सेंटेंस है। मैंने कहा था हम लोग आज फेस्टिवल से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाएंगे, तो वी विल मेक सेंटेंसेस ऑन फेस्टिवल्स। ओके चलिए, तो अभी यहाँ पे मैं देता हूँ, आज कौन मुझे रमजान के बारे में बताएगा? नाजी आई 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 वॉन्ट यू टू नाजिया जी आई वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट दैट, आई वॉन्ट यू टू ट्रांसलेट दैट। ओके देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, राइट? तो आज सेंटेंस है आपका है हु विल टॉक अबाउट रमजान टुडे।
मैंने गलती कर दी एक्चुअली। मैं बोलना था कि आज रमजान के बारे में सेंटेंस कौन बताएगा, लेकिन मैंने ट्रांसलेट कर दिया। कोई बात नहीं, चलिए मौका मिलेगा, कुछ और बनाएंगे। ठीक है, मैं हमेशा सेंटेंस, हमेशा वाक्य बनाने में गलतियां करता हूँ। दिस इज अ सेंटेंस। मैं हमेशा वाक्य बनाने में या सेंटेंस बनाने में गलतियां करता हूँ। तो कौन उसको कौन ट्रांसलेट कर रहा है? हाथ खड़ा कीजिए। चलिए क्रिस वीर बोलिए बेटा। यस सर, आई ऑलवेज मेक मिस्टेक इन मेकिंग सेंटेंसेस। वेरी नाइस। सो आई ऑलवेज मेक मेक मिस्टेक्स इन मेकिंग सेंटेंसेस और व्हाइल मेकिंग सेंटेंसेस, दैट इज अनदर ऑप्शन। चलिए और कौन बोलना चाह रहे हैं? सत्यम बोलिए। I always make mistakes in forming sentences. In forming sentences, very nice. Navya बोलिए। I always make mistakes in making sentences. बहुत बढ़िया। ओके, और कौन बोल रहे हैं? I always make mistakes in making sentences. Okay. I always make mistakes in making sentences. Rudra, देखें रुद्रा क्या बोलते हैं? I always make mistake in interchanging the sentences. आपका फिर से बोलिए तो, कुछ इंटरेस्टिंग सुनाई पड़ा था, हम सुन नहीं पाए ठीक से ऐसे। I always make mistakes into interchanging the sentences. I always make mistakes. उसके बाद का क्या था? फिर से बोलिए, हम सुन नहीं पाए ठीक से। Into interchanging the sentences. In interchanging the sentences. Okay. Okay. That is also a good one. Veer, Chris बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। Sir, I always do mistake while creating a sentence. I always do mistakes. हाँ, ये भी एक फ्लेवर है, very nice. Okay, चलिए तो अगला 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 सेंटेंस हम चाहते हैं आप में से कोई बोलिए। See, you have to pick up a sentence that you end up struggling. कि आपको अभी आप कुछ सेंटेंस बनाना है और फंस जाते हैं, right? तो कैसे बनाएंगे? तो okay, चलिए देखते हैं कन्हैया एजुकेशन बच्चे क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। Pongal is celebrated for day in the month of January in Tamil Nadu. नहीं, आपको आपको बोलना है हिंदी में, सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है ठीक है। आपने बोला Pongal is celebrated for the whole month of January in Tamil Nadu. ओके, उसका हिंदी सेंटेंस क्या होगा? पोंगल जनवरी के पूरे महीने में तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओके, चलिए सत्यम आप कुछ बोलने वाले थे, आपका हाथ नीचे हो गया, मैंने गलती से कर दिया। अगला वाक्य कौन बोलना चाहेगा? अगला वाक्य कौन बोलना चाहेगा? कौन ट्रांसलेट कर रहा है बताइए। क्रिस वीर बोलिए भाई। Who want to told the next sentence? Who wants to? Told in the next sentence. Who wants to say the next sentence? Told is past. We are talking about future. Who wants to tell the next sentence? Who wants to say the next sentence? Who wants to frame the next sentence? Whatever that we can say. Okay. Chaliye. Who wants to say the next sentence? Okay. Abhi yahan par. हम लोग को सोचने में इतना टाइम क्यों लगता है? दिस इज सेंटेंस। हम लोग सोचने में इतना टाइम क्यों लेते हैं? सो कौन ट्रांसलेट कर रहा है? आई विल कम टू वीर एंड क्रिस। आई वांट टू सी हु इज नॉट पार्टिसिपेट। व्हाई डू वी टेक सो मच टाइम फॉर थिंकिंग? हाँ तो थैंक यू बेटा, लेकिन रुक जाइएगा आप लोग, मैं देखना चाह रहा हूँ कि और कौन लोग नहीं बोल रहे हैं, उनको बोलने के लिए मजबूर करना पड़ेगा भाई। ओके, कौन लोग चुप हो गए हैं?
नाजिया जी, आपने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, आप रुक गए। Why do you take so much time to think? हाँ, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखिएगा, मैंने कहा हम लोग सोचने में इतना टाइम क्यों लेते हैं, हम लोग, यहाँ पे इट्स वी, व्हाई डू वी टेक सो मच टाइम टू थिंक, है ना? ओके, बहुत बढ़िया। अभी अभी आप लोग में देखिए, यहाँ पे हम लोग फेस्टिवल्स की बात कर रहे थे, राइट? दैट वाज द एजेंडा। पर्व त्योहारों के बारे में कौन बात करना चाहता है? दैट इज अ सेंटेंस। पर्व त्योहार के बारे में कौन बात करना चाहता है? सत्यम बोलिए। Who wants to talk about festivals? Who wants to talk about festivals? Very nice. Navya बोलिए। क्या हो गया भाई? हाँ बोलिए। We need to talk about festivals. देखिए, need और want, किसको फेस्टिवल के बारे में बात करने की जरूरत है? नीड हो गया जरूरत। कौन फेस्टिवल के बारे में बात करना चाहता है? वांट। हु वांट्स टू टॉक अबाउट फेस्टिवल्स? माइन्यूट डिटेल्स। देखिए, किसी को भी यहाँ पे बुरा नहीं मानना है, किसी को गलत प्रूव नहीं करना है। व्हाट आई एम थिंकिंग, दीज आर सम माइन्यूट डिटेल्स दैट दैट वी विल हैव टू बी लिटिल केयरफुल विद। हाना भैया बोलिए। ओके, तो सभी नए लोगों का स्वागत है इस ग्रुप में। इसको कौन ट्रांसलेट कर रहा है? वीर क्रिस बोलिए। ऑल द न्यू गाइस इन द ग्रुप आर वेलकम्ड। ऑल न्यू स्टूडेंट इज वेलकम इन द क्लास। वेरी नाइस। ओके, नाविया अभी कुछ बोलना चाह रहे हैं? ऑल द न्यू गाइस आर वेलकम इन दिस क्लास। ऑल द न्यू मेंबर्स आर गाइस आर वेलकम इन द क्लास। तो देखिए, हम एक सेंटेंस जब बन जाता है देन यू नो इट शुड बी डन, बट व्हाट आई डू इज आई कीप आस्किंग यू गाइस टू यू नो टू से। एक ने बोल दिया फिर दूसरों को बोलता हूँ, बिकॉज क्या होता है ना, सेम सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड इन मल्टीपल वेज। इसलिए मैं आप लोग बोलता हूँ कि भाई चलिए आप भी बोलिए, हो सकता है किसी के पास कुछ दूसरा तरीका हो जाए, या आप कुछ सोचते हो अगर वो सही तरीका नहीं है तो वो करेक्ट भी हो जाएगा। हाँ ना जी जी बोलिए। ना जी जी अपने हाथ खड़ा किया था भाई। All new people are welcome. हाँ देखिए, this is another thing, right? All new people, आपने किस लोगों ने कहा all new guys, all new students, right? A more generic term is people. All new people are welcome in this class, right? Very nice. तो अभी आते हैं, थोड़ा और फेस्टिवल का फ्लेवर ऐड करते हैं। तो आप लोग सबको एक एक सेंटेंस सोचिए हिंदी में और बोलिए। मैं शुरुआत करता हूँ, ठीक है? ओके, चलिए। हम लोग छठ पूजा क्यों मनाते हैं? ओके, चलिए, कौन ट्रांसलेट कर रहा है इसको? हाँ ट्रांसलेट कीजिए भाई। हाँ नाविया ने, सत्यम ने, वीर क्रिस ने, साजिद ने, सबने हाथ खड़ा किया है, लेकिन पहले एक ट्रांसलेट कर दीजिए। एक सवाल आया था हम लोग छठ। हाँ बोलिए बोलिए नाजिया जी। Why do we celebrate छठ पूजा? Very nice. देखिए, एक हो गया, ट्रांसलेशन मिल गया। सत्यम, वीर, क्रिस, नाविया, साजिद सबने हाथ खड़ा किया था। सत्यम से शुरू करते हैं। सत्यम का नाम सबसे पहले कॉर्नर में दिख रहा है। सत्यम बोलिए। Why we celebrate छठ पूजा? ओके, ठीक है। तो ये छठ पूजा का ट्रांसलेशन हो गया। अब अभी आप लोग नया नया सेंटेंसेस थ्रो कीजिए। आई वॉन्ट एवरी, ठीक है, यहाँ पे करना ये है कि आप लोग को वो सेंटेंसेस बोल रहे हैं जहां पे आप लोग फंसते हैं, सो दैट वी गेट दोस सेंटेंसेस ट्रांसलेटेड, राइट? जहां पे अभी जैसे मान लीजिए कुछ बोलना है अभी अटक गए,
तो वैसे सिचुएशन में हाउ डू यू काइंड ऑफ नो स्पीक इट आउट, है ना। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अभी कुछ बोलना है और मैं फंस गया, उससे बाहर कैसे निकलना है, दिस कुड बी वन सेंटेंस। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं और फंस जाते हैं, उससे बाहर निकलने उससे कैसे बाहर निकलना है, दैट इज द सेंटेंस। चलिए इसको ट्रांसलेट कर देखते हैं, थोड़ा भारी लग रहा होगा लेकिन इट्स नॉट भारी। ओके सर, कैन यू रिपीट द सेंटेंस? द सेंटेंस इज, अगर आप बोलते वक्त कहीं पे फंस जाते हैं तो उस समय कैसे उससे बाहर निकलना है, ये आपका सेंटेंस है। अभी देखते हैं इसको कौन कितने तरह से कैसे ट्रांसलेट करता है। इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस, इट लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑन द आउट ऑन लुक, बट इट इज नॉट। आप कभी बात करते वक्त अटक जाते हैं तो उससे बाहर कैसे निकलना है, इसको ट्रांसलेट करना है। कुछ लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, चलिए नाविया से सुनते हैं पहले, उसके बाद हम जाएंगे। नाविया नैतिक जो भी है वहां पे बोलिए। If you get stuck while speaking, then how to get out of it? Okay, if you get stuck while speaking, how do you get out of it? Okay, that is one. चलिए देखिए नाविया सत्यम क्या बोलते हैं। If you get stuck somewhere while speaking, then how to get out of it? Okay, if you get stuck somewhere while speaking, how to get out of it? Okay, चलिए देखें वीर क्या बोल रहे हैं। वीर बोलिए। If you start in middle of thought and have, हाँ बोलिए बोलिए। If you are confused while speaking, how will you get out? If you are confused while speaking, how will you get out? Okay, that could be one way of putting it. Okay, देखें रुद्रा और नव्या क्या बोलते हैं। If you will stuck on speaking, how will you get out? Okay, ठीक है। रुद्रा का ही सुन लेते हैं। If you ever get stuck while speaking, how do you get out? हाँ, देखिए ये भी एक flavor था। If you ever get stuck while speaking, how do you get out? है ना, तो likewise, चलिए सत्यम कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल लीजिए फिर, then I will also say one sentence. बिहारियों के लिए छठ पूजा बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। छठ पूजा का ट्रांसलेशन हो गया भाई, कितना बार करेंगे? नहीं ठीक है, आता हूँ, we'll come to that. लेकिन हाँ, what I was saying was कि यहाँ पे सेंटेंस था while getting, अगर बात करते वक्त आप कहीं पे अटक जाते हैं तो उससे कैसे बाहर निकलना है। तो देखिए इसमें बहुत सारे सेंटेंस है, लोगों ने सबने बोला एंड मोस्ट ऑफ देम आर करेक्ट। इफ यू गेट स्टक व्हाइल ईटिंग व्हाइल टॉकिंग, हाउ डू यू कम आउट ऑफ दैट? हाउ डू यू नो, इफ यू आर कंफ्यूज्ड व्हाइल स्पीकिंग, हाउ डू यू कम आउट ऑफ इट? यू कैन ऑल्सो से while speaking, if you get stuck, how do you come out of it? तो देखिए आप इसको आप interrogative sentence भी बना सकते हैं, you can make it a normal sentence, any which way, okay? तो जितना आप उसके बारे में सोचेंगे उतना तरीके से उसको form कर सकते हैं। हाँ नावी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर उनका sentence छठ पूजा बिहारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसका English। अच्छा बोलिए। छठ पूजा इज वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर बिहारी। ओके ओके चलिए दैट इज आल्सो करेक्ट। साजिद कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बेटा। रमजान दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक बहुत ही खास समय है। जबरदस्त, हाँ ये सेंटेंस मतलब आया थोड़ा अच्छे से। चलिए भाई सोचिए एक बार, देखिए साजिद आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा ताकि अगर लोग सेंटेंस पूरा सुने, ठीक है? I want you to say it one more time. रमजान दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक बहुत ही खास समय है। ये देखिए इस सेंटेंस में बहुत दम है, ठीक है? ऐसे मतलब you have to just think through it. रमजान दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बहुत ही खास समय है। ओके चलिए कौन बोलेंगे?
वीर क्रिस बोलिए. रमजान इज द बेस्ट फेस्टिवल फॉर मुस्लिम्स इन द मंथ ऑफ रमजान. सेंटेंस का मीनिंग गड़बड़ा गया भाई. रमजान दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बहुत ही खास समय है. दैट वाज अ सेंटेंस राइट. चलिए रुद्र बोलिए भाई. रमजान इज अ वेरी स्पेशल टाइम फॉर मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. परफेक्ट. ये पूरा सेंटेंस का मीनिंग आया इसमें. देखें सत्यम क्या बोलते हैं. सत्यम बोलिए भाई. सत्यम पांडे. रमजान इज अ वेरी स्पेशल टाइम फॉर मुस्लिम. आपकी आवाज बीच में दब गई भाई. फिर से बोलिए. रमजान इज अ वेरी स्पेशल टाइम फॉर मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड. Around the world, हाँ, all over the world था पहले में, यहाँ पे around the world, that is also a complete sentence, very nice. देखिए नाविया क्या बोलती हैं? Ramzan is a very special time for whole Muslims world. Whole Muslim world नहीं, ये three sentences का fit नहीं बैठ रहा है. The entire of Muslim इसको बोलते हैं. Ramzan is a very special festival for entire मुस्लिम कम्युनिटी, ऐसे बोल सकते हैं. या फिर जैसे था कि फॉर द मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, फॉर फॉर मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड, वो भी चलेगा. ठीक है ओके. चलिए अभी साजिद आपने हाथ खड़ा किया था, आपका हाथ नीचे चला गया. ओके नाजिया जी आपने नहीं बोला, आपने भी हाथ खड़ा किया था. सेम नहीं होगा, बोलना पड़ेगा भाई. सेंटेंस बोलना, देखिए क्या है ना, कुछ कुछ चीज होगा जो रिडंडेंट होगा, आपको लगेगा कि ये क्यों बोला है, तो कोई बोल दिया है, लेकिन बोलने पर वो सेंटेंस आपका बन जाता है. तो यू कैन रिपीट इट, दैट्स ओके. आपकी आवाज गायब हो गई बीच में, फिर से बोलना पड़ेगा. रमजान इज वेरी स्पेशल टाइम फॉर मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड. वेरी नाइस. तो देखिए यहाँ पे जैसे इस क्लास में मैं बोलता हूँ ना कि आई फोर्स यू गाइज टू स्पीक, बिकॉज वेन यू स्पीक दैट बिकम्स योर्स, वेन यू राइट दैट बिकम्स योर्स. तो ये बेसिक प्रिंसिपल है. मेरे पास कोई मैजिक वर्ड नहीं है, मेरा एक ही फॉर्मूला होता है भाई कि मेहनत करेंगे तो आपका हो जाएगा, और मेहनत हम कराएंगे. दैट्स माई की ऑब्जेक्टिव. ठीक है, आप लोग को हम भी घिस घिस के ही बड़े हुए हैं, आप लोग को भी मेहनत करा के ही बड़ा करेंगे. ठीक है, that will not change. okay, तो सबको मेहनत करना पड़ेगा. that it helps. okay, चलिए देखते हैं यहाँ पे. क्रिस ने, वीर ने हाथ खड़ा किया था, बोलिए भाई. इंडिया के ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हारने का कारण क्या हो सकता है, अपने शब्दों में बयां करें. क्या बात है. तो देखिए इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से हारने का क्या कारण हो सकता है, अपने शब्दों में बयां करें. अब आएगा मजा, देखते हैं कौन रेडी है. भाई सबको पहले हाथ नीचे कर दीजिए, तुमको लगता है कि बाय डिफॉल्ट सत्यम का हाथ हमेशा खड़ा ही है इधर. सत्यम आप रेडी हैं क्या? सत्यम पांडे, सत्यम पी, इसलिए बोल रहा हूँ. सत्यम यहाँ पे दो लोग हैं. हाँ चलिए, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से हारने का कारण क्या हो सकता है, अपने शब्दों में बयां करें. नाजिया ने हाथ खड़ा किया था, बोलिए भाई. What could be the reason for India? आपकी आवाज बीच में गायब हो गई. What could be the reason for India की बात नहीं सुन पाया, फिर से बोलिए. What could be the reason for India losing to Australia? हाँ, आपने सेंटेंस का दूसरा पार्ट नहीं बोला, अपने शब्दों में बयां कीजिए. ओके चलिए साजिद के पास जाते हैं. साजिद बोलिए भाई. एक्सप्लेन इन आउन वर्ड्स व्हाट कुड बी द रीजन फॉर इंडियास डिफीट टू ऑस्ट्रेलिया. हाँ देखिए यहाँ पे ये थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस था. एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स व्हाट कुड बी द रीजन फॉर इंडियास डिफीट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. वेरी नाइस. चलिए नव्या से सुन लेते हैं. नव्या नैतिक बोलिए भाई. व्हाट इज रीजन बिहाइंड इंडिया बाय ऑस्ट्रेलिया.
हाँ ये भी अच्छा सेंटेंस है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंडिया लूजिंग टू ऑस्ट्रेलिया. वेरी नाइस. देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यू डोंट हैव टू नेसेसरली फॉर्म बिग सेंटेंसेस. यू कैन थिंक अबाउट द सेंटेंस, अपने शब्दों में बयां कीजिए. जैसे कहा ना वीर ने, उसको अपने शब्दों में आप बयां कर सकते हैं इन स्मॉल सेंटेंसेस. देयर आर अ लॉट ऑफ स्मार्ट पीपल हु यूज वेरी स्मॉल सेंटेंसेस. चलिए सत्यम बोलिए. What could be the reason behind losing of Australia, behind losing of India to Australia? Explain in your own words. So, what could be the reason behind India's loss against Australia? भी बोल सकते हैं. Explain in your own words. Okay. चलिए रुद्रा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं बोल लीजिए before we go to next sentence. Explain in your own words that what could be the reason for India's loss to against Australia. Very nice. बहुत बढ़िया. साजिद आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपने तो बोल दिया था. ओके चलिए कन्हैया एजुकेशन बच्चे क्या बोलना चाह रहे हैं बोलिए. प्राचीन काल से ही होली भारत के मुख्य और प्राचीन त्योहारों में से एक है. भाई कहाँ से लाए सेंटेंस ये वाला है? दम प्राचीन काल से ही होली मुख्य त्योहारों में से एक है. चलिए इसको कह सकते हैं, इसका सेंटेंस को सिंपल कर देते हैं. प्राचीन काल से ही होली मुख्य त्योहारों में से एक है. ठीक है चलिए हो गया. बोलिए कौन ट्रांसलेट कर रहे हैं? वीर को नहीं करने देंगे भाई, रुकिए एक मिनट. आई हैव टू सी एंड मेक श्योर दैट एवरीबॉडी इज पार्टिसिपेटिंग. तो नाविया को भी नहीं बोलने देंगे, रुकिए थोड़ा सा रुक जाइए. यहाँ पे दिव्यांश ने नहीं बोला है, दिव्यांश को बोलना पड़ेगा एक बार, उसके बाद हम बाकी लोगों के पास जाएंगे. तो दिव्यांश यू आर ऑन द स्पॉट. सेंटेंस इज प्राचीन काल से ही होली मुख्य त्योहारों में से एक है. सोचिए रेडी होइए मैं आपके पास आता हूँ. चलिए बहुत लोगों ने हाथ खड़ा किया, तीन लोग को बोलने का मौका मिलेगा. कोई तीन लोग वीर क्रिस को नहीं, नाजिया सत्यम और नाविया, तीन लोग को बोलने का मौका मिलेगा भाई. चलिए बाकी लोग जो लोग हाथ खड़ा किया लोग हिंदी का सेंटेंस सोचिए, इसको ट्रांसलेट किया जाएगा. ठीक है. होली इज वन ऑफ द मेन फेस्टिवल सिंस एंशियंट टाइम्स. सिंस एंशियंट टाइम्स, दैट्स व्हाट आई वांटिंग टू हियर. नाजिया जी बोलिए. नाजिया बेटा आपको आपका शायद से मुझे लगता है कि स्पीकर से आपका दूर है, थोड़ा पास आ जाइए. नहीं सुन पाया मैं. आप शायद से स्पीकर से तो दूर हैं या फिर somehow क्लियर नहीं आया. होली इज वन ऑफ द मेन फेस्टिवल इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम्स. हाँ अभी एकदम देखिए साफ छन की आवाज आया एकदम बिल्कुल, बहुत बढ़िया. एंड सेंटेंस वाज आल्सो राइट. नाविया आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत बढ़िया. तो चलिए रुद्रा ने हाथ खड़ा किया, देखिए रुद्रा क्या बोलते हैं. हमारे यहाँ ऐसा ही होता है. हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ये भी ना बात. तो इसको ट्रांसलेट करना है. चलिए कौन ट्रांसलेट कर रहे हैं? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है. सत्यम बोलिए भाई. सेम थिंग हैपेंस हियर. सेम थिंग हैपेंस हियर. ओके सेंटेंस तो ठीक है लेकिन इसमें और पंच डालना है थोड़ा, देखते हैं. सत्यम बोलिए. साजिद बोलिए. दिस इज व्हाट हैपेंस हियर.
दिस इज वॉट एपन्स हियर. लाइन था हमारे यहां ऐसा ही होता है. दिस इज वॉट हैपन्स हियर पक्का नहीं है इसमें और थोड़ा सुधार की जरूरत है. चलिए भाई कुछ और नए लोग आए हैं सबका स्वागत है. आई सी नेहा अफरीन जी. ओके नेहा अफरीन जी चलिए भाई वेलकम टू द क्लास. ओके हाँ साजिद बोलिए. दिस इज हाउ इट इज फॉर अस. हाँ दिस इज हाउ इट इज फॉर अस. दिस इज हाउ इट हैपेंस फॉर अस. दिस इज हाउ इट हैपेंस हियर. हमारे यहाँ ऐसे ही होता है. दिस इज हाउ इट हैपेंस इन आवर प्लेस राइट. ओके बढ़िया और सेंटेंसेस बोलिए. कौन बोल रहे हैं. भारत में हर बार अलग अलग त्योहारों धूमधाम से मनाई जाती है. भारत में हर बार नहीं थोड़ा 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 छोटा सेंटेंस बनाइए थोड़ा सा छोटा. भारत में हर बार अलग अलग त्योहार मनाई जाती है. नहीं सेंटेंस देखिए आपको हमेशा सोचना है कि ऐसे सेंटेंस बनाने हैं जो कि हमको जरूरत पड़ता है राइट. जहां पे हम अटकते हैं ताकि आपका वो सेंटेंसेस के साथ में क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन ज्यादा कंफर्ट इजी हो जाए. बोलिए नाविया. In India, many festival is celebrated with fun and fair. हाँ नहीं नहीं मैं यहाँ पे ये बोल रहा था कि देखिए आप लोग को जो भी सेंटेंस देना है जैसे कनाडा एजुकेशन के बच्चों ने जो सेंटेंसेस दिया है वो दोज आर सेंटेंसेस कमिंग फ्रॉम द बुक्स. वी आर नॉट ट्राइंग टू पिक द सेंटेंसेस फ्रॉम द बुक्स एंड देन ट्रांसलेट. आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक श्योर दैट हम वैसे सेंटेंस को पकड़े जो कि हमारे बोलचाल में यूज होता है और जहां पे हम फंस जाते हैं या हमारे फंसने की संभावना रहती है. हमें वैसे सेंटेंसेस को बनाना है जो जो हमको हमारे बोलचाल में आगे हेल्प करेगा. दिस इज अ सेंटेंस ठीक है. हमें ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं जो हमारी बोलचाल में हमारी मदद करेंगे. आपको इसको ट्रांसलेट करना है ठीक है. हमें ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं जो हमारी बोलचाल में हमको मदद करेंगे. रुद्रा बोलिए. भारत में त्योहारों का बहुत महत्व है. रुक जाइए महत्व उतना ज्यादा नहीं है. आपको मैं बोल रहा हूँ कि सेंटेंसेस वो बनाएंगे जो हमको बोलचाल में यूज होगा. हमने त्योहारों का बहुत महत्व है हम बहुत पुराने समय से मनाते आ रहे हैं दैट इज ओके. लेकिन हमको नए सेंटेंसेस सीखने हैं जो हमारे बोलचाल में काम आएंगे बाद में है ना. तो रुद्रा बोलिए भाई. आप हर तरह से तारीफ के हकदार हैं. तो ये एक सेंटेंस है इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे. उससे पहले मैंने एक सेंटेंस दिया था वो था हमें वैसे सेंटेंसेस बनाने हैं जो हमारे बोलचाल में काम आएंगे. एक सेंटेंस में पार्ट करके रख रहा हूँ. आप हर तरह से तारीफ के काबिल हैं हम लोग उस पर आएंगे लेकिन उससे पहले ट्रांसलेट करते हैं हमें वैसे सेंटेंसेस बनाने हैं जो हमारी बोलचाल में काम आएंगे. चलिए क्रिस वीर बोलिए भाई. We can make such sentences that can help us in while speaking. हाँ, we can make sentences such sentences which will help us while speaking. Okay, सत्यम आप बोलिए भाई. We have to make such sentences which will be important in our speaking. हाँ, ये देखिए we have to. मैंने कहा था हमें वैसे sentences बनाने हैं जो हमें बोलचाल में मदद करेंगे. So we have to make sentences which will help us in speaking. Okay, Navya boliye bhai. We have to make such type of sentences which help in our speaking. तो ये भी सही है. We have to make such type of sentences which will help us in speaking. Okay, Rudra boliye bhai. We have to make such. Okay, चलिए लेडीज फर्स्ट.
ना जी, आप बोलिए। वी शुड मेक सच सेंटेंसेस व्हिच विल बी यूजफुल इन आवर स्पीकिंग। हाँ तो देखिए यहाँ पे आप फिर से सेंटेंस रिपीट कीजिए। वी शुड आपने कहा राइट। वी शुड मेक सच सेंटेंसेस व्हिच विल बी यूजफुल इन आवर स्पीकिंग। करेक्ट करेक्ट। देखिए यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर है सेंटेंस करें। आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा कि वी कैन मेक सेंटेंसेस, कुछ लोगों ने कहा वी मस्ट मेक सेंटेंसेस, यहाँ पे नाजिया जी ने कहा वी शुड मेक सेंटेंसेस। तो यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर आ रहा है, उसका अलग अलग इंटेंट भी क्लियर हो रहा है। चलिए रुदा देखते क्या बोलते हैं। वी हैव टू मेक सेंटेंस दैट हेल्प अस इन स्पीकिंग। वी हैव टू मेक सेंटेंसेस दैट हेल्प अस इन स्पीकिंग। वेरी नाइस। देखिए दिव्यांश ने भी हाथ खड़ा किया, बोलिए भाई। मंजेश जी बोलिए। मंजेश नाम से आप, मेरा दिव्यांश है तो इसलिए मैंने पूछा। मंजेश बोलिए, आप अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए। बोलिए बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत दूर से बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है। ओके मंजीश, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए, बोलिए स्पीकर के थोड़ा पास आके। हाँ चलिए देखिए कन्हैया एजुकेशन से बच्चे क्या बोल रहे हैं, बोलिए भाई। गेंद को दीवार से ऊपर फेंको। क्या क्या? गेंद को दीवार से ऊपर फेंको। गेंद को दीवार से ऊपर फेंको। अच्छा एक ये सवाल, एक ये लाइन है और एक लाइन था जो रुद्रा ने कहा था, वो था आप तारीफ के काबिल हैं। चलिए तारीफ, आप तारीफ के काबिल हैं पर इसको ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं कौन बोलते हैं। चलिए ट्रांसलेशन करते हैं, आप तारीफ के काबिल है राइट। रुद्र आपका वही सेंटेंस था या कुछ और था? यू आर वर्थी ऑफ प्रेज, प्राइज। प्रेज, यू आर वर्थी ऑफ प्रेज। ओके और देखें क्या बोलते हैं। नाविया बोली भाई। यू आर डिजर्व प्रेज इन एवरी वे। यू डिजर्व praise in every way, okay? Yes, sir. Satyam. You are able of praise. You are able of praise. Somehow sentence fit nahi baith raha hai. You are able of praise. You are able to get praised. Aisa kar sakte hain. You are able to get praised. Or That should work. मंजेश जी के नाम से जो भी है बच्चे, उनका आवाज नहीं आ रहा है और कुछ क्रॉस टॉक सुनाई पड़ रहा है, म्यूट कर रहा हूं मैं। ओके सत्यम बोलिए भाई। ओके तो चलिए अगला सेंटेंस कौन बना रहा है? तो हाँ गेंद को दीवार से ऊपर फेंको, ये सवाल था कन्हैया एजुकेशन से। चलिए ये भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। नाजिया जी रुद्रा बोलिए। थ्रो द बॉल ओवर द वॉल। थ्रो द बॉल अबव द वॉल। ओवर द वॉल। Over the wall, okay. Rudra. Throw the ball over the wall. Okay. Satyam. Okay. Satyam nahi bolenge to Navya boli. Navya Natik.
ओके ना बोल पा रहा है ना मंजेश जी बोलिए भाई खराब कर दिया आप बोलिए क्या होगी भाई हाँ दिव्यांश बोलिए बेटा हो जाएंगी फिर क्या होगा आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा ओके चलिए तो देखिए एक चीज नोटिस करने वाला है कि यहाँ पे सेंटेंसेस जो है थोड़ा कम पड़ रहा है हम लोग क्या होता है कि या तो एक ही जैसे सेंटेंसेस को लेकर के रिपीट करने लग जाते हैं या फिर वी जस्ट मेक वेरी लाइट सेंटेंसेस लेकिन एक चीज चूक हो जा रही है कि हम लोग जहाँ पे अटकेंगे जहाँ पे दिक्कत होगी या जो बोलचाल के क्रम में जो जो टॉपिक्स आते हैं उस पर हम लोग फंस जा रहे हैं राइट कि हम लोग वी आर नॉट पुटिंग इनफ सेंटेंसेस अक्रॉस वी आर नॉट गेटिंग देम ट्रांसलेटेड आल्सो तो फिर हमारी समस्या सॉल्व तो होगी नहीं है ना तो अभी इसको क्या करेंगे वी विल मर्ज टू थिंग्स ओके अभी यहाँ पे वी विल डू अ डिबेट नॉट टूडे अगले क्लास में ठीक है ये सेंटेंस ट्रांसलेशन में आप लोग जो है 5-7-10 सेंटेंस ही कर पाते हैं और उसका हम लोग फायदा नहीं उठा पा रहे हैं सो लेट्स सॉल्व अ रियल टाइम प्रॉब्लम ठीक है अभी क्या करेंगे यहाँ पे दो दो या तीन तीन लोगों का ग्रुप बना करके उनको डिबेट कराएंगे मैं टॉपिक पब्लिश कर दूंगा हर एक दिन के लिए सैटरडे संडे के लिए टॉपिक पब्लिश कर दूंगा उस पर दो दो लोग तीन तीन लोग मिलकर डिबेट करेंगे ठीक है तो टोटल मान लीजिए क्लास में अगर 20 बच्चे हैं अगर तो तीन तीन लोग का दो ग्रुप रहेगा वो लोग डिबेट कर रहे होंगे और हम लोग बाकी लोग जो है वी विल कीप ऑन थ्रोइंग सेंटेंसेस की देखो यहाँ पे तुमको ये बोलना था तुमने नहीं बोला दिस इज अ हिंदी सेंटेंस उसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो डिबेट करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे डिबेट करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे दैट इज व्हाट वी विल डू उससे क्या होगा कि आपका डिबेट करने का एबिलिटी भी बढ़ेगा आपका आपको आइडियाज नए आइडियाज कैसे थ्रो करने दैट आल्सो विल गेट सॉल्व एंड देन ऑन द टॉप ऑफ दैट वो आइडियाज अगर आ रहे हैं हिंदी में आ रहे हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कैसे कहाँ फंस रहे हैं वो भी सॉल्व हो जाएगा तो आपको आइडिया जनरेट करना डिबेट करना और ट्रांसलेशन तीनों चीजें उसमें होंगी ठीक है क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे नहीं था कि विल कीप ऑन थ्रोइंग सेंटेंस आफ्टर सेंटेंस और फटाफट ट्रांसलेशन करते रहेंगे तो हम लोग एक क्लास में 50-60-100 सेंटेंस भी अगर हम ट्रांसलेट कर पाते हैं तो दैट विल बी अ बिग बूस्ट और आपको वो कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ऐसे सिचुएशन में ऐसे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं लेकिन हमारे वी आर लैकिंग ऑन द नो द द आइडिया फ्रंट हम लोग सेंटेंसेस इनफ सेंटेंसेस थ्रो नहीं कर रहे हैं तो अगर सेंटेंस नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा सॉल्यूशन कहाँ से आएगा राइट सो लेट्स क्रिएट प्रॉब्लम्स नाउ तो अगले क्लास में वील गो बैक टू डिबेट डिबेट ऑब्जेक्टिव और डिबेट का नहीं है डिबेट में क्या क्या प्रॉब्लम होती है कहाँ पे फंसते हैं उसको सॉल्व करेंगे दैट इज हाउ वी विल बी एबल टू सॉल्व टू थिंग्स एट द सेम टाइम ठीक है और बहुत दिन से अंताक्षरी नहीं किया तो आउट ऑफ द टू डेज वन डे विल डू अंताक्षरी और जिस दिन अंताक्षरी करेंगे उस दिन आई विल ऑल्सो डू अ क्विक चेक कि आप लोग वो दो दो वर्ड सीख रहे हो कि नहीं डेली बिकॉज क्या होता है ना कि जब तक मतलब दिस इज नेचुरल ओके मतलब मैं भी आप लोग ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ तो ऐसा होता है कि कभी ध्यान से हट गया कुछ चीज बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है उस पे जा ही नहीं रहे राइट हाँ दिव्यांश बेटे बोलिए अपने हाथ खड़ा किया है आई नीड नॉट गो टू स्कूल आई नीड नॉट गो टू स्कूल दिस इज योर सेंटेंस हम लोग यहाँ पे करना चाह रहे हैं बेटा कि वी विल वी वुड वांट टू ट्रांसलेट नो विल थ्रो हिंदी सेंटेंसेस ट्राई ट्रांसलेटिंग दैट इनटू इंग्लिश ठीक है क्योंकि क्या होता है बोलचाल के क्रम में वी गेट स्टक व्हाइल ट्रांसलेटिंग और नो पुटिंग फोर्थ आवर आइडिया तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व हियर सत्यम बोलिए बेटा आपने हाथ खड़ा किया था मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है अच्छा आपने अच्छा जो दिव्याज ने बोला उसको आपने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया आई डिड नॉट गो टू स्कूल ओके हाँ तो अभी यहाँ पे रुक जाते हैं अभी थोड़ा सा नहीं था कभी कभी होता ना कि आप जो कर रहे हैं उसमें मजा नहीं आ रहा है या उसका इफेक्टिव नहीं है तो उसको कैसे हाउ डू वी डू कोर्स करेक्शन राइट तो अभी वही है हमने डिबेट भी किया उसके प्रॉब्लम्स भी देखे उसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए कुछ नहीं कर पाए हमने ट्रांसलेशन भी देखा उसमें भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर
कर पाए, कुछ सॉल्व कर पाए. तो नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल मर्ज दिस टू. तो नेक्स्ट क्लास में आई विल गिव अ टॉपिक, आप लोग में से तीन लोग को मैं पिक करूंगा फॉर में बोलने के लिए, तीन लोग को अगेंस्ट में बोलने के लिए. और उस डिबेट के दौरान में जहां जहां पे फंस रहे होंगे हम लोग में से बाकी लोग आइडियाज थ्रो करेंगे, भाई देखो ये सेंटेंस बोल सकते थे हिंदी में, एंड देन वील ट्रांसलेट दैट. ठीक है, तो डिबेट भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा, बोथ थिंग्स विल बी डूइंग टुगेदर. और एक दिन जो है अंताक्षरी करेंगे, अंताक्षरी के साथ में आई विल डू चेक कि आप लोग दो दो वर्ड डेली सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, ताकि द प्रैक्टिस कंटिन्यूज एंड वी कीप ऑन एनरिचिंग आवर नॉलेज, आवर वोकैबुलरी एंड आवर पावर टू नो स्पीक. क्रिस वीर कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बेटा. ओके तो अभी रुक जाइए, अभी हाँ अभी हम लोग कुछ ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट काइंड ऑफ डूइंग सम कोर्स करेक्शन फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ क्लासेस, है ना. अगर उससे रिलेटेड कुछ बोलना है तो बोलिए. क्रिस वीर बोलिए. नहीं ओके तो ये क्लास को फिर हम लोग जो है वी विल पॉज इट हियर. सत्यम कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए भाई. I want to ask my last question of this class. बोलिए. ज्यादा भाव मत. I want to ask the last question. ज्यादा भाव मत खाओ. इसका कौन ट्रांसलेट करेगा? ज्यादा भाव मत खाओ है. सो कौन ट्रांसलेट कर रहे हैं भाई? क्रिस वीर कुछ बोलना चाह रहे हैं? Do not become so rude. Okay. बोल के वीर चले गए. It's नहीं ज्यादा rude is a different sentence actually. Rude is a different word. Do not become rude मतलब वो तो rude मतलब होता है निर्दयी. हाँ साजिद बोलिए. Don't be too emotional. इमोशनल भी नहीं फिट बैठता है सजिद, क्योंकि इमोशनल होता है कि बहुत भावुक मत बनो. यहाँ पे ज्यादा भाव मत खाओ. भाव मतलब नहीं था खुद का तारीफ करना होता है, अपने मियाँ मिट्ठू बोलते ना जो खुद के मुंह मियाँ मिट्ठू, वो नहीं होना है. या ज्यादा डोंट थिंक ऑफ योरसेल्फ एज समबडी वेरी स्पेशल. दैट कुड बी द सेंटेंस. डोंट कंसिडर योरसेल्फ वेरी स्पेशल. ओके ज्यादा भाव मत खाओ. डोंट कंसिडर योरसेल्फ आउट ऑफ द मासेस, आउटसाइड द मासेस. वो भी उसका सत्य बोलिए. डोंट एक्ट सो प्राइसी. डोंट एक्ट सो प्राइसी आल्सो करेक्ट. ठीक है, एक एक वर्ड होता है जो यहाँ पे हम बच्चों को सुने हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पे लोग बोलते हैं सासी. सासी मतलब जो बोलते हैं बहुत हर चीज में बहुत स्टाइल मारना, ऐसा ऐसा बच्चों को बोलते हैं. मेरा बच्चा लोग बोलता है ही इज सो सासी, शी इज सो सासी. डोंट बी सो सासी, दैट कुड बी अनदर थिंग. ये बहुत भाव मत का, बहुत स्टाइल मत मारो. ओके तो चलिए अगले क्लास में वी विल कंबाइन दिस डिबेट एंड ट्रांसलेशन. ओके सो दैट वे वी कैन गेट आइडियाज फॉर ट्रांसलेशन एंड वी कैन गेट ट्रांसलेशन टू एनरिच आवर आइडियाज. ठीक है, तो यही पे हम लोग आज का क्लास खत्म करते हैं. एंड आप लोग जैसे मतलब व्हेन वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास, तो हमेशा सोचिए, देखिए व्हाट एवर वी डू वी आर हियर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. आप लोगों के साथ में मैं जो क्लासेस करता हूँ उसके पीछे इंटेंट यही है कि आई एम ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. तो वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लम. कहीं पे भी कहाँ पे क्या सेंटेंस में कहाँ दिक्कत हो रहा है, ट्रांसलेशन में दिक्कत है, सोचने में दिक्कत है, आइडिया जनरेट करने में दिक्कत है, या उनको रिप्रेजेंट करने में दिक्कत है. तो when we get to that root कि हाँ क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, दैट इज वेन वी विल कम अप विथ द राइट अप्रोच. ठीक है, मैं दूसरे क्लासेस में देखेंगे बच्चों का, मैं इंटर जैसे कुछ इंजीनियरिंग क्लासेस का, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे भी हैं जैसे जो लोग मेरा क्लासेस करते हैं, तो उन लोग का मैं इंटरव्यूज करता हूँ
तो इंटरव्यू करने पे मुझे पता चलता है कि भाई उनका जो इंटरव्यू का रिस्पॉन्स होता है वो सही है कि नहीं है. आर दे मेकिंग राइट आई कॉन्टेक्ट आर नॉट, आर दे शेयरिंग द आइडियाज इन अ मोर स्ट्रक्चर्ड वे आर नॉट. तो उसी तरह से यहाँ पे हर एक सिचुएशन को हमको समझना पड़ेगा कि हम लोग क्या सॉल्व करना चाह रहे हैं. राइट, तो आप लोग के लिए भी वही अभी वही करते हैं. लेट्स ट्राई फिक्सिंग दैट प्रॉब्लम. जो अभी हमारा प्रॉब्लम हो रहा है कि आइडिया जनरेट करने का, दैट्स व्हाट वी हैव टू फिक्स फर्स्ट. क्योंकि हम बोलचाल के क्रम में क्या होता है कि हम बहुत सी जगहों पे फंसते हैं, देन वी डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट दैट सेंटेंस एंड शेयर व्हाट वी वांट टू शेयर, है ना. तो चलिए यहाँ पे ही हम लोग अपनी क्लास को कंक्लूड करते हैं. सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट क्लास ऑन सैटरडे.